बेटा कल हमने कक्षा पांचवी विषय हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 11 भाग 1 पर्यायवाची के 1 to 20 राइट किए थे और लर्न किए, ठीक है। आज नेक्स्ट करेंगे हम 21 to 40, ठीक है। ये क्या है हमारे पर्यायवाची सर। 21 अमृत, पीयूष, सुधा, अमिय, अमरी, पीयूष, सुधा, अमिय, अहंकार, घमंड, गम, अभिमान, अहंकार, घमंड, गम, अभिमान, इंदर, सुरेश, देवराज, सचिपति, इंदर, सुरेश, देवराज, सचिपति, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, कमल, जलज, पंकज, नीरज, कमल, जलज, पंकज, नीरज, कुशल, निपुण, दक्ष, पटु, कुशल, निपुण, दक्ष, पटु, क्रोध, गुस्सा, रोष, कोप, क्रोध, गुस्सा, रोष, कोप, तीर, बाण, सर, सायक, तीर, बाण, सर, सायक, दूध, दूध, पैर, शीत, दूध, दूध, पैर, शीत, निवेदन, प्रार्थना, अनुरोध, विनती, प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना, अनुरोध, विनती। 31 पति, स्वामी, नाथ, भर्ता, पति, स्वामी, नाथ, भर्ता, पर्वत, भूधर, गिरी, अचल, पर्वत, भूधर, गिरी, अचल, बहन, भागिनी, बांधवी, सहोदरा, बहन, भागिनी, बांधवी, सहोदरा, मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुदेश, मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुदेश, युद्ध, रण, संग्राम, समर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, वायु, हवा, पवन, समीर, वायु, हवा, पवन, समीर, शरीर, देह, काया, तन, शरीर, देह, काया, तन, सांप, भुजंग, विषधर, सर, सांप, भुजंग, विषधर, सर, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, रवि, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी। तो बेटा ये है आपके पर्यायवाची सर 21 to 40। ये सब आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करने हैं और फिर इनको लर्न करना है। और अब हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर बुक एक्सरसाइज दी गई है उसको करेंगे। तो बेटा अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमें इन पर्यायवाची शब्दों के साथ अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं। शब्द भंडार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? आंसर है हमारा शब्द भंडार प्रभावशाली बातचीत के लिए उपयोगी है। जो हम बातचीत करते हैं उसको प्रभाव देने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2, पानी, जल और नील पर्यायवाची है फिर भी इनमें क्या सूक्ष्म
होते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द है उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब कि थोड़ा सा, वे लगभग समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो बेटा अब करेंगे हम अपने बुक एक्सरसाइज। अब है हमारा बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर, लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पर्यायवाची किसे कहते हैं। लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, कोई भी एक शब्द सोचिए और तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख, नेत्र, नैन, चक्षु। क्वेश्चन नंबर टू, उस शब्द के पीछे गलत का चिन्ह लगाइए जो मोटे छपे शब्द का पर्यायवाची न हो। प्रातः का भोर होता है, प्रातः होता है और पावक नहीं होता है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। सागर, रत्नाकर, रजनीचर, जल्धि। क्या नहीं होता है, रजनीचर। युद्ध, खग, रण, समर। क्या नहीं होता, खग। तीर, अक्षीर नहीं होता। अमृत, पीयूष, सुधा, आतंज। आतंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उचित पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सब सहपाठी भाई बहन हैं। भैंस तालाब में बैठी है। बाजार में आग लग गई। प्रातःकाल सैर पर जरूर जाना चाहिए। आओ माता पिता को चरण वंदना करें। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है। गलत शब्द को रेखांकित कर सही शब्द दिए गए स्थान पर लिखिए। दादी, दादी जी हरिद्वार से गंगा पानी लाई। ऐसे थोड़ा बोलते हैं हम, गंगा पानी लाई। पानी को क्या बोलते हैं, जल। क्या लेके आई दादी हरिद्वार से, गंगा जल। विद्यार्थी भवन कार्य कर रहे हैं। भवन क्या होता है, गृह कार्य। विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं। धरती पर जन्म लेने को देवी सुर भी तरसते हैं। देवी सुर नहीं होते, देवता सुर भी तरसते हैं। कल हम संसद घर देखने जाएंगे। कल हम संसद भवन देखने जाएंगे। लाला लाजपत राय को पंजाब व्याघ्र कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब घर कहा जाता है। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और पर्यायवाची शब्द। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको कंप्लीट को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।